सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी पृथ्वी तोमर और आज हमारे पास है अपनी ओला S1। तो आज अपन इसका करने वाले हैं एक डिटेल्ड रिव्यू। तो देखेंगे इस गाड़ी में अपन को क्या क्या मिल जाता है और ये गाड़ी चलाने में कैसी है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो उस बारे में पूरी बात करेंगे। तुम बताओ आदर, देखने में अच्छी लगती नहीं लगती? देखने में तो अच्छी, स्कूटियों में सबसे अच्छी। व्हाट्स योर ओपिनियन? देखने में अच्छी लगती है। सामने इसकी हेडलाइट में अपन को दो प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, ये DRL मिल जाता है, सामने एक ओला का यहाँ पे स्टीकर और सामने से ये गाड़ी को देखते हुए ऐसी दिखती है। बात करें सस्पेंशन, इसमें एक मिलता है और तो वो इनका मतलब सिस्टम है कुछ ऐसा। और बाजू से ये गाड़ी देखने में कुछ ऐसी मिल जाती है अपन को, जो कि बाजू से देखने में भी काफी अच्छी है। पीछे अपन को यही ब्रेक लाइट जो कि LED है और नीचे वो ग्रीन नंबर प्लेट बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो और यहाँ पे अपन को S1 की बैजिंग और इसमें S1 Pro भी आता है जो कि इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है, मतलब भागने भागने के मामले में। बात कर लेते हैं इस गाड़ी के क्या क्या फीचर्स हैं। तो अपन को यहाँ पे मिल जाता है ये लाइट के लिए, ये क्रूज कंट्रोल के लिए, इंडिकेटर हॉर्न, यहाँ पे ये इसके मोड्स बदलने के लिए, ये पावर बटन इसको ऑन करने के लिए, यहाँ पे इसका स्पीकर भी मिल जाता है इसमें जो अभी बजा के दिखाएंगे, तो इसमें उसका वॉल्यूम ज्यादा कम करने के लिए, और नीचे यहाँ पे वही गाने पॉज और उसको प्ले करने के लिए है ना। तो इसकी पहले एक बार डिस्प्ले ऑन कर लेते हैं। तो अपन को इसको ऑन करने के लिए पहले ब्रेक दबा के रखना पड़ेगा और ये बटन इसकी दबा के रखो और इसका स्टैंड मतलब खोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होती है ऑन। तो फिर इसके बाद इसमें पासवर्ड डालो, इसमें कोई भी चाबी नहीं लगती है, तो पासवर्ड डालो और पासवर्ड डालने के बाद ये गाड़ी चालू। अभी पार्किंग मोड पे है, इसको अगर ब्रेक दबा के यही वाली बटन एक बार फिर प्रेस करेंगे तो ये अपनी चलने के लिए रेडी हो जाएगी है ना। फिर इसके बाद अपन यहाँ से इसके मोड्स भी बदल सकते हैं, जैसे कि ये देखो ये चलने के लिए रेडी, एक्सेलेटर मत दे देना। तो इसमें तो ये नॉर्मल मोड है और यहाँ से अगर अपन चेंज करेंगे तो स्पोर्ट्स मोड लग जाएगा। जैसे अपन को इसकी सीट ओपन करनी है ना, तो यहाँ से ये दबाया पार्किंग मोड पे जब और ये खुल गई। यहाँ पे इसका अपन को चार्जर मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा सा है और गाड़ी में वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो इसमें सामान भी काफ़ी आसान है ना। जैसे बंद करा और यहाँ पर लिख के आ जाएगी ट्रंक क्लोज, वो लिख के आ गया। और गाने की मतलब स्पीकर की क्वालिटी मतलब बेसिक है, चलाने मजा आएगा जब गाने बजेंगे, पर ऐसा भी कोई ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो यहाँ से गाड़ी चार्जिंग का है, तो ये ऐसे करके खोला और यहाँ पे अपन ने चार्जर लगा दिया तो चार्ज हो जाती है। चार्ज कितने रात भर में चार्ज हो जाती है? तीन घंटे में तीन घंटे मतलब ये फुल चार्ज हो जाती है, तो फिर इसको बढ़िया चलाओ आराम से। बाकी अपन को इसकी सीट्स भी काफी चौड़ी मिल जाती हैं जो कि काफी कंफर्टेबल है बैठने में और कुशनी भी है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। और अपन को इसमें आगे भी डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे पीछे भी डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, तो मतलब इसकी ब्रेकिंग तो भी, पर जैसे इसको स्पोर्ट्स मोड में एकदम से चलाओ और एकदम से रोको ना, तो ब्रेक इसके स्लिप कर जाते हैं, बाकी तो उस हिसाब से बाकी थोड़ी तो ठीक है। और जो चलाता रहेगा ना धीरे धीरे उसको मतलब कंफर्टेबल हो जाएगा इसके ब्रेक्स के साथ भी। और ये कुछ ऐसे इंडिकेटर अपन को देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि गाड़ी ऐसे टू 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 भी करती रहती है जैसे इंडिकेटर चलाओ तो। ओवरऑल एक मस्त गाड़ी है। और कितने किलोमीटर चल जाती है एक चार्ज में? 120 किलोमीटर। और स्पोर्ट्स मोड में लगाओ तो कम चलती है? 80-90 किलोमीटर। तो जब अपन इसको चलाते हैं ना तो अर्बन मोड में ये 50-60 तक आराम से जाती है और स्पोर्ट्स मोड में 80 तक ये आराम से जाती है ये गाड़ी। बाकी अगर जैसे S1 जो प्रो है ना वो हाइपर मोड में लगाने के बाद तो 100-110 भी आराम से चली जाती है, पर ये S1 है तो ये इतना नहीं भागती है। इसका ड्रैग रेस भी किया अपने अपाचे के साथ, तो वो भी देख सकते हो आप जाके। साइड में अपन को ये दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं देखने के लिए, एक इस साइड और एक इस साइड। और अपन को यहाँ पे एक दिख जाता है अपना USB सॉकेट जो अपन को मोबाइल वाइल चार्ज करने के काम आएगा, और इसका स्पीकर जो है वो यहाँ पे लगा, और इस साइड भी एक स्पीकर है, और यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज की स्पेस और यहाँ कुछ भी हैंग करने के लिए। बीच में इस गाड़ी में कुछ रख रख के नहीं ला सकते अपने एक्टिवा जैसे, क्योंकि यहाँ बीच में हम्प है। और इसमें अपन को मैप भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि सबसे अच्छी बात लगी मेरे को इसकी। देखो और अपनी डेस्टिनेशन स्टार्ट करी, पर लैग बहुत करता है भाई। इसमें अपन को मैप भी देखने के लिए मिल जाता है कि कहीं अपन को जाना आना हो तो अपनी डेस्टिनेशन सेट करो और चल दो। और भी काफी सारे फीचर्स इसके डिस्प्ले में जो कि अपन एक किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे, जो प्रॉपर इसके फीचर्स और डिस्प्ले पे रखेंगे। बाकी अगर इस पे जो बेसिक फीचर है वो तो मैंने बता ही दिए, तो फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बाय बाय।